तो गाइस यार हमने एक सुपर बाइक बनाई है जिसमें यार हायाभूसा का प्रीमियम हैंडल लगा हुआ है, जो कि हैंडल बार देख सकते हो कुछ इस प्रकार से। तो वीडियो को जल्दी स्टार्ट कर दे। सो हाय फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मिस्टर मोटो हेकर बाइक में आपका स्वागत है दोस्तों। और यार एक बार आपके लिए फिर से मैं लेके आ चुका हूँ एक यूनिक सी चीज़। यार बहुत से लोगों की यार दिलों की धड़कन रहती है, वो गाड़ी काफी ज्यादा पसंद की जाती है अपने इंडिया में। आज उसी का हैंडल बार मैं यार यूनिवर्सल के तौर पर दूसरी गाड़ी पे लगाने वालों, जो कि यार हम एक 150 और 150 cc को DC के रूप में कन्वर्ट करके एक सुपर बाइक बना के उसमें लगाने वाले हैं। तो यार वीडियो में काफी ज्यादा मजा आएगा। और यार इसे कैसे असेंबल करते हैं मैं इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। और हमने यार ये लिया है उसके लिए। अब ये हैंडल देखो किस टाइप का सेटअप, मैं इसका सेटअप बता देता हूँ आप लोगों को। इसके हैंडल बार हो गए और सर जिस कहना चाहिए किया उससे यार अपनी गाड़ी का हैंडल रहेगा कुछ इस प्रकार का है, तो देख सकते हो। अब दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा यूनिक सा लग रहा है और काफ़ी मस्त लग रहा है। तो फ्रेंड यार इसे जल्दी से लगा लेते हैं। तो फ्रेंड यार ये है अपना हैंडल। अब ये हैंडल किस प्रकार का रहेगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दादू पकड़ो मोबाइल। तो फ्रेंड कुछ इस प्रकार से रहेगा, ये देख सकते हो MSZ, यानी ये रहेगा सामने साइड में, ये पीछे साइड में। और अपने हैंडल वगैरह ये 13 नंबर का छेद दिया हुआ है, यहाँ पे 13 नंबर के बोल्ट वगैरह दिए हैं दोस्तों बोल्ट। तो फ्रेंड यार देख सकते हो ये थ्रेड वगैरह हैं कुछ यूं इस प्रकार से रहेगा ये। और इसका आप लोग जो लिखा हुआ है इसको सामने फ्रंट पर रखेंगे और ये ऐसा रहेगा, जो कि यहाँ पे कंपनी ने छेद दिया ऑलरेडी, ये इसे ऐसे इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद में एक नट इधर से और यहाँ से इसे टाइट करने के बाद में फिर ये हो जाएगा लॉक, ये देख सकते हो। और ये जो घूम रहा है ये बार वगैरह जैसा घूम रहा है, तो उससे यार इधर पे एक छोटी सी लंकी वाले बोल्ट से इसे एडजस्ट कर लेना है, टाइट कर लेना है ताकि ये अपने जगह पे घूमे ना दोस्तों। और उसके बाद में जैसे अपने को हैंडल पे को एडजस्ट करना है तो यहाँ पे 8 नंबर के 2 बोल्ट दिए हुए हैं जिससे अपन इसे मूव कर सकते हैं आगे पीछे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा यूनिक और प्रीमियम लगा दोस्तों, तो मैंने इसे परचेस किया। अब देखते हैं लगाने के बाद में किस टाइप का लुक देता है और दिखने में कैसी लगती है। तो आप लोग कमेंट वगैरह कर देना दोस्तों ये हैंडल कितने का होगा, फिर बाद में आपको प्राइस बता दूंगा। तो फिर यार इसे जल्दी से इंस्टॉल कर लेते हैं और लगा लेते हैं अपनी गाड़ी पर। और तो गाइस इसके यार हैंड ग्रिप को भी हैंड बार को भी यार अच्छे से प्रॉपर तरीके से इसे फिट कस लेते हैं ताकि इधर उधर मूव करे तो ढीला ना लगे। और जो कि यार मेरे हाथ में अभी एलन की है जो 8 mm की है, तो 8 mm का नट तो नहीं है, 13 नंबर का थ्रेड दिया है, तो 8 mm की एलन की से फुल टाइट कर लेंगे। और ये हमारा लग चुका है दोस्तों कुछ इस प्रकार से। और यार इसमें मूव कैसा होता है देखो, इसे हम आगे पीछे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ये लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से कि कोई यार जैसे अपने को कम ज़्यादा करना है या फिर कुछ ओवर करना है तो जो भी अपने हिसाब से इसमें मैनेज करने का सिस्टम, काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगा मुझे तो। और इसे भी यार कर लेते जल्दी से। तो फ्रेंड यार जल्दी से इसका हैंड ग्रिप कवर लगा लेते हैं जो कि मोनिस्टार का स्टील में है और काफ़ी ज़्यादा ये भी यूनिक लग रहा है। तो यार इसे भी जल्दी से असेंबल कर लेते हैं, उसके बाद में मैं दिखाता हूँ कि कैसी लगी। और भाई इसकी फुल वीडियो मैं जल्दी लेके आ रहा हूँ, तो भाई अपना प्यारा सपोर्ट बनाए रखना, काफ़ी प्यारी और काफ़ी मस्त बनी है मैंने लोगों का। तो फाइनली फ्रेंड यार अपना यार हैंड ग्रिप पूरा प्रॉपर तरीके से लग चुका है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और काफ़ी ज़्यादा यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक दे रहा है। तो यार आप लोगों को पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक वगैरह कर देना और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। और मैंने इसे यार चला के भी देखा था, राइड करके भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो भाई मिलते हैं।